हेलो, गुड इवनिंग। बहुत सारे नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पिक्चर या इमेज बेस्ड। उसके अंदर पूछ लेते हैं कि एक कोटरी को आइडेंटिफाई करो, कौन सा कोटरी है और ये क्या काम आता है क्या नहीं आता है। तो आज उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो सर्जरी फील्ड के अंदर अगर कोटरी यूज में की जाती है तो वो दो टाइप की कोटरियाँ होती है, एक होती है बाईपोलर एक होती है मोनोपोलर। इन दोनों को ही कनेक्ट किया जाता है किसमें, कोटरी मशीन के अंदर। ये जो आपको दिख रही है ये कोटरी मशीन है, इसको अपन ऑन कर लेते हैं। और ये इसका वायर है, कनेक्टिंग वायर, और ये आपकी कोटरी मशीन है जिसको ऑन की है। ये यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है इसका। ये यहाँ पे आपके सॉकेट लगे हुए हैं जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। ये BI लिखा हुआ बाईपोलर का है ये सॉकेट। और ये जो उसमें यूरो के अंदर जो लूप जो कोटरी होती है उसको कनेक्ट करने के लिए, ये इसमें आप जो बाइक क्लैंप फोर्सेप होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। सीजर को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइगर शोर को कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप मोनोपोलर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो इसमें वायर दिख रही है ये रिटर्न इलेक्ट्रोड के लिए है, जो करंट पास होता है पेशेंट की बॉडी के थ्रू उसको रिटर्न के लिए ये है। तो ये है, ये कोटरी प्लेट है, ये कोटरी प्लेट है, ये मशीन से कनेक्ट होती है और इसको पेशेंट के किसी भी एक ऑर्गन पे, यानी आप इसको पेशेंट के किसी भी ऑर्गन पे आप इसको जो कोटरी प्लेट है उसको लगा सकते हो ताकि वो रिटर्न इलेक्ट्रोड। पहले के ज़माने में जो कोटरियंस होती थी उसके अंदर आपको जो रिटर्न इलेक्ट्रोड की प्लेट होती थी उसको सलाइन से डिप मतलब वेट करके फिर लगाना होता था। अगर उसमें कुछ हिलने से कोई इश्यू हो जाता था तो वो बर्न हो जाता था पेशेंट के, है ना। लेकिन आजकल जो मशीनें हैं वो इतनी अपडेट हो गई है कि अगर आपकी कोटरी प्लेट हट जाएगी तो कोटरी चलना ही बंद कर देगी। तो ये जो कोटरी प्लेट है इसको आप देख लो, ओपन सर्जरी इस पर करोगे, ओपन सर्जरी में आपने टिक किया, ये आ गया। इसमें जो आया ये फुट स्विच का है, नीचे जो फुट पैडल पड़े हैं इसके, तो आप इसको स्किप कर दोगे। और स्किप करने के बाद इसमें ऑप्शन आ गया, एक तो फोर्स से बाइपोलर का आ गया, इलेक्ट्रोपेंशियल का आ गया, ये सीजर का आ गया, ये बाइक क्लैंप का, जो बाइक क्लैंप यहाँ लगती है इसमें उसका आ गया, ये सीजर का। और ये जो येलो कलर का पैडल और ये जो पैडल दिख रहे हैं ना, एक येलो एक ब्लू, ये कनेक्ट नहीं है अभी, एक वॉल्यू वाला सिंगल पैडल कनेक्टेड है जो क्लैंप के ही काम आता है और कोगुलेशन के काम आता है। येलो का जो साइन है वो कटिंग का साइन होगा और ब्लू जो साइन है वो कोगुलेशन का साइन होगा। इसमें भी यहाँ भी आपको कलर कोड शो होगा। तो ये जो कोटरी प्लेट है ये कोटरी प्लेट ओनली मोनोपोलर के लिए यूज़ की जाती है। बाईपोलर में इसका कोई यूज़ नहीं है। बाईपोलर में जो सर्किट है वो दोनों पोल्स के बीच में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए किसी भी टाइप का आपको इलेक्ट्रोड को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने जहाँ से जिस ब्लड वेसल से अगर ब्लीड हो रहा है तो आप उसको, मान लो ये ब्लड वेसल है यहाँ से ब्लीड हो रहा है तो आप इसको पकड़ो और यहीं जो जहाँ से पकड़ा है आपने जहाँ से भी इसको पकड़ा है वहीं से सर्किट कंप्लीट होगा और वहीं पे कोगुलेशन हो जाएगा। तो बाईपोलर ओनली कोगुलेशन के लिए काम आती है, कोगुलेशन होता है, इसे कटिंग नहीं कर सकते। मोनोपोलर से कटिंग और कोगुलेशन दोनों किया जाता है। इसमें जो येलो है, येलो बटन, इस पर कट लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको दबाएँगे, इसको प्रेस करने से कट होता है, इसको कोगुलेशन होता है ना। इसके आगे जो ये है कवर, ये उतार दो, ये आपका जो टिप है कोटरी टिप, इसको लगाना पड़ता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको यूज़ करते हुए दिखाने की। इसको लगाने के लिए आप सबसे पहले ये जो इसका सॉकेट है इसको आप मोनोपोलर में इसमें कनेक्ट कर दो। ये लग गया, लगते इधर सिंबल आ गया ना, इधर इस साइड दिख गया। तो ये जो हमने सॉफ्ट कट पे कर रखा है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सभी मोड के अंदर। और ये ऑटो कट है, आई कट भी है, ड्राई कट भी है, एंड सब अलग अलग फंक्शन है। इसको आप सर्जन की चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, इनको बढ़ा घटा भी सकते हैं प्लस माइनस से, और ये कोगुलेशन को भी बढ़ा घटा सकते हैं प्लस माइनस से। अब आप यहाँ भी देखोगे ये येलो कट, अगर आप इसमें कट दबाओगे, यानी आपको स्किन पे कट लगाना है तो आप कट दबाओगे तो अभी तो जो प्लेट नहीं लगा है, देखो रिटर्न इलेक्ट्रोड मॉनिटरिंग, तो ये नहीं है मेंशन। जब ये प्लेट किसी पेशेंट के लगा देते हैं, मान लो मैं खुद के लगा रहा हूँ, तो ये करने से जब रिटर्न इलेक्ट्रोड अच्छा हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगी, और ये ग्रीन में आते ही एरो और आप इसको चला सकते हो, ठीक है। और ये तो हो गया मोनोपोलर का, मोनोपोलर से येलो से कट कर सकते हैं और ब्लू से कोगुलेशन होता है,
और इसमें ओनली कोगलेस नहीं होता है बाइपोलर के अंदर। बाइपोलर को भी किसी भी टाइप की वो जरूरत नहीं है। इसमें आपने इसको सीधा कनेक्ट किया और इसके आगे आपने यहाँ पे फोरसेप कनेक्ट किया। ये फोरसेप कनेक्ट किया, इधर फंक्शन आ गया बाइपोलर फोरसेप, आपने टिक किया। इसका सिर्फ कोगुलेशन, कट का कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि कट का ऑप्शन ही नहीं होता है इसमें। तो इसमें डैश आ रहा है, ओनली सॉफ्ट बाइपोलर कोगुलेशन का आ रहा है। COG कोग लिखा हुआ है इसमें, तो 5.0 पे है इसमें। तो आप इसको अपन यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये देखो, यहाँ चलाने से ये मैं चला रहा हूँ, यहाँ इसको चिपका रहा हूँ, तो देख आपने देखा होगा है ना ये चीज़ें। उसके बाद इसमें सर्किल वहीं का वहीं कवर हो जाता है। और उसके लिए उसमें आपको जो है इसका सर्किल कंप्लीट करने के लिए आपको रिटर्न इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है, प्लेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि पेशेंट के अंदर जो शॉक जा रहा है वो पेशेंट के अंदर नहीं रहे, पेशेंट से वो वापस कोटरी अपने में रिटर्न करवा लें। तो बस यही डिफरेंस होता है। इसके अंदर आपको जो कट की ज़रूरत होती है स्किन कट के लिए, जो मोनोपलार में जो मोड यूज़ होता है वो होता है आपको हाई वोल्टेज, सॉरी लो वोल्टेज कट के लिए लो वोल्टेज और कंटिन्यूस करंट की ज़रूरत होती है, और कोगुलेशन के लिए आपको हाई वोल्टेज और अल्टरनेटिव करंट की जो मोड है वो काम में लिया जाता है। बस ये है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, अगर ऐसा पिक आए तो आपको बाइपोलर पे टिक करना है, ये बाइपोलर है ठीक है। और अगर ऐसी पिक आती है एग्ज़ाम के अंदर क्लियरली पूछी जाती है, तो आपको ये मोनोपोलर बताना है या यूनिपोलर बताना है। कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर यूनिपोलर के नाम से भी आता है।